हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल व्हाट्स एंड हाउ। मेरे चैनल व्हाट्स एंड हाउ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक्सेल में आप कैसे चेक बॉक्स कैसे लगा सकते हैं, या आपको कहीं पे भी आइटम होता है जिसमें कि टिक करना होता है, चेक बॉक्स होता है, तो वो आप कैसे लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक एक्सेल की शीट ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चेक बॉक्स, यहाँ पे हमें चेक बॉक्सेस लाने हैं। चेक बॉक्स लाने के लिए सबसे पहले यहाँ रिबन पे राइट क्लिक करना है और फिर क्लिक करना है कस्टमाइज रिबन पे। जब कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे आप देखेंगे एक डेवलपर का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे डेवलपर पे क्लिक करेंगे। डेवलपर पे क्लिक करने के बाद फिर आप क्लिक करेंगे ओके। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक डेवलपर का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे जब डेवलपर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे इंसर्ट का। जब आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये चेक बॉक्स का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे करेंगे और जहाँ पे आपको चेक बॉक्स रखना होगा वहाँ पे ले जाके आप ये चेक बॉक्स क्रिएट कर देंगे। अगर आपको चेक बॉक्स को रीपोजिशन करना है तो यहाँ पे देखिए ऐसे करेंगे, और देखिए मिडिल में अगर मुझे करना है तो ऐसे कर देंगे, ये देखिए। अगर इसको चेक बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा करना है तो कंट्रोल की दबाएंगे और ऐसे चेक बॉक्स को खींचेंगे तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। जब आप देखेंगे इसके चेक बॉक्स में यहाँ पे चेक बॉक्स 1 लिखा हुआ है, हम इसको अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। ये देखिए इसको अभी के लिए मैंने डिलीट कर दिया और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे चेक बॉक्स है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये चेक बॉक्स यहाँ पे क्लियर चेक बॉक्स आ चुका है यहाँ पे। अब इसके लिए देखिए यहाँ पे अब हमें चेक बॉक्स इसमें सब में लाना है, तो बारी बारी से हम इसमें सभी उसमें चेक बॉक्स ला लेते हैं। और इसको हम रीपोजिशन करके सारे को मिडिल में कर लेते हैं। देखिए इस पे एक दूसरा ऑप्शन भी है, या तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करके ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पे जो लिखे हुए हैं वर्ड्स वो दिखाई देंगे। और दूसरा ऑप्शन है, मैं दूसरा ऑप्शन इसमें करके दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे करेंगे और इंसर्ट करके बारी बारी से हम इसमें चेक बॉक्स लाते जाएंगे। यहाँ पे आ गया। देखिए अभी यहाँ पे मैंने ये सब में चेक बॉक्स मैंने बना लिए हैं। और देखिए अब इसमें जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें से कोई फंक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, हमें यहाँ के स्टेटस पे चेक करना है कि क्या मैंने इन इन आइटम को यहाँ पे परचेज कर लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम इसको कंट्रोल की प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट कंट्रोल पे जाएंगे। फॉर्मेट कंट्रोल पे जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अनचेक्ड है, चेक्ड है, मिक्स्ड है। और अगर आपको 3D शेप में करना है तो इसको आप टिक कर सकते हैं, बट अभी मैं इसको डिफॉल्ट पे छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे हमें सेल का लिंक देना है। इसको लिंक करने के लिए कहाँ पे लिंक करना है, इससे लिंक करना है और हमें क्लिक कर देना है ओके पे। और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ट्रू, और जब मैं अनचेक करूँगा तो फॉल्स हो जाएगा, ये देखिए। एक बार मैं और दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इस पर फॉर्मेट कंट्रोल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें जो है उस फॉर्मेट कंट्रोल में हमें उस एरिया को कहाँ से लिंक करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। ये देखिए अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर, तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स यहाँ पे लिख करके आएगा। ऐसे ही हमें सभी पे बारी बारी से, ये देखिए अब हमें इसमें पता करना है कि मेरे कितने आइटम जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला करना है। ये FX का जो फॉर्मूला बार है इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे काउंट इफ और गो करेंगे। यहाँ से देखेंगे ये काउंट इफ को हम ले लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि रेंज क्या है, तो इसमें हमारी रेंज क्या है, हमारी रेंज जो है हमारी रेंज है ये, और क्राइटेरिया क्या है, ट्रू, और हमें कर देना है ओके। अब देखिए अभी हमने क्या किया, जैसे हमने कितने आइटम कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पे जो है ये यहाँ पे आपको दिखाएगा। एक बार और मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हमें करना है FX पे क्लिक करके क्राइटेरिया लेके यहाँ पे ट्रू कर देना है। दैट मीन्स कि जो ट्रू होगा वहां पे उसका उसको दिखा दे। लाइक हमने मेरे पास में नंबर ऑफ 1000 नंबर ऑफ आइटम की लिस्ट है जो हमने परचेज करना है। मान लो मैंने यहाँ पे 3
पता नहीं चल रहा है कितना किया, तो जो जो हम परचेज करते जाएंगे, टिक करते जाएंगे, तो ये यहाँ पे नंबर्स जो हैं वो चेंज होते जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम कितना परसेंटेज में कैसे निकाल सकते हैं, कितना परसेंट हमने परचेज कर लिया है आइटम्स को। अब इसमें हमें परसेंटेज में इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इसको परसेंटेज में दिखाना है। जैसे ये देखिए अभी परसेंटेज में आ रहा है, अभी मेरा क्या हुआ है 50%, 6 आइटम थे, मैंने 3 आइटम यहाँ पे परचेज कर लिए हैं और 3 अभी रह रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 50% दिखा रहा है। अब इसको मैंने कैसे किया है, इसको करने के लिए क्या करना है, उसके फॉर्मूले में काउंट ए लगा देना है। तो फिर से मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। यहां से मैंने इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पे अभी मैं करने देता हूँ ट्रू। ठीक है, तो अभी इसका मुझे परसेंटेज दिखाना है कि कितना परसेंट यहाँ ये हो गया है। तो इसको हमें डिवाइड कर देना है, एक फॉर्मूला है काउंट ए, ब्रेकेट स्टार्ट करना है और आइटम्स क्या है, ये मेरे आइटम्स है, और ब्रेकेट को क्लोज करके और एंटर करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो परसेंटेज में यहाँ पे आइटम दिखाने लगा है। अगर आप यहां से 2 को टिक करेंगे, ये देखिए अभी 33% हमने परचेज कर लिया है। एक और टिक करेंगे तो यहाँ पे 50% हमारा परचेज हो चुका है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है। अब अगर इसी को मुझे कलर में हाईलाइट में दिखाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, तो इसमें देखिए तो कुछ हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अभी लगाते हैं। जैसे यहाँ पे 50% आ रहा है, 50, बट ये कलर में नहीं दिखा रहा। अगर हमें इसको दिखाना है कलर में, तो हम कैसे दिखा सकते हैं इसको कलर में, तो यहाँ पे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है। तो यहाँ पे जाएंगे होम बटन पे, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम डेटा में जाएंगे और इसको हम पहले रिमूव कर देंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा करके इसको कर देंगे हम, लेट मी क्लियर द रूल, क्लियर रूल। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स, सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा, मोर रूल, ओके। सो यहाँ पे हमें यहाँ पे टाइप में देखेंगे, यहाँ पे क्या है, हमारे नंबर्स हैं जो वहाँ पे दिखा रहा है, नंबर्स दिखा रहा है, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हमारा मैक्सिमम में दोनों में नंबर है, और कितना परसेंट यहाँ पे मान लीजिए 100%, और हमें क्लिक कर देना है। जब हम क्लिक करेंगे और देखिए अब हम जब इस पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे, सॉरी कलर को अभी हमने फिल नहीं किया है, तो यहाँ पे कलर हम फिल कर देते हैं कि कौन सा कलर हमें लेना है। तो यहाँ पे जाएंगे फिल में जाए, कलर में जाएंगे, कलर में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ग्रीन, और यहाँ पे ले लेता हूँ सॉलिड फिल, और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ नंबर, इसको भी कर देता हूँ नंबर, और यहाँ पे कर देता हूँ 100%, और कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए मैंने कितना परसेंट किया, तो आपको ये कलर में दिखाने लगेगा, ये देखिए। तो इस तरह से आप जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं एक्सेल में, जब आप जो है चेक बॉक्स क्रिएट कर रहे हो। तो चलिए अब दूसरा ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे स्टेटस में सी। अब हमें इसी में पता करना है कि हमने क्या क्या परचेज कर लिया है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे करता हूँ रिमेनिंग आइटम, रिमेनिंग आइटम्स, ठीक है। यहाँ पे हमें जो है पता करना है रिमेनिंग आइटम, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और एफएक्स आइकन पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो है एक फार्मूला आता है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे FILTER, यहाँ पे टाइप करेंगे फिल्टर, और यहाँ पे हम फिल्टर पे आ जाएंगे और क्लिक करेंगे ओके। जहाँ पे जब हम इस पे ओके पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे पूछ रहा है अरे कि मतलब आपका जो आइटम है रिमेनिंग यहाँ पे क्या शो करना है। तो मेरे आइटम्स ये हैं, हम फर्स्ट अरे में इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे करना है इंक्लूड, क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स इंक्लूड करना है, तो हम ट्रू और फॉल्स ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे कर करके यहाँ के क्या शो करना है मुझे, ट्रू, अगर ट्रू है तब हमें शो करना है, और यहाँ पे अगर एम्प्टी है तो क्या करना है, कॉमा लगा देना है, इनक्लोजर लगा देना है, और देन क्लिक करना है हमें यहाँ पे। जब हम क्लिक करेंगे ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी जो जो आइटम हमने कंप्लीट कर लिया है या जो आइटम रिमेनिंग है, देखिए ये देखिए
जैसे जो जो आइटम हमारा रिमेनिंग रहेगा, रिमेनिंग आइटम देखिए सारा हमने परचेज कर लिया, यहाँ पे राइस और मिल्क दो आइटम हमारे बचे हुए हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे कि दो आइटम हमारे जो हैं, वन मिनट मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ। देखिए ये आइटम्स मेरे जो हैं ये बचे हुए हैं, और इसका फिल्टर भी यही ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि सारे आइटम हमने ले लिए हैं, तो कोई भी अभी रिमेनिंग नहीं है। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे अनचेक करेंगे वैसे वैसे जो है ये यहाँ से अनचेक होता जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमने राइस और पोटैटो ले लिया है, तो राइस और पोटैटो यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा। ओ सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे मैंने जो है उसको ट्रू करना था, मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दिया था, वन मिनट। तो यहाँ पे फॉल्स हमें एडिट कर देना है, यहाँ पे करना है FALSE फॉल्स। देखिए तो अब हमारा जो मैंने वहां पे फॉल्स की जगह पे ट्रू कर दिया था, इसलिए वो हमारी उल्टी वैल्यू दिखा रहा था। ये देखिए जो जो आइटम हमने ले लिया है वो आइटम यहाँ पे नहीं दिखाएगा, ये रिमेनिंग आइटम्स था, तो वहां पे हमें जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो ये देखिए हमारे तीन आइटम हमने परचेज कर लिए हैं, जिसमें सुगर, अनियन और पोटैटो हमने परचेज कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तीन आइटम हमारे बचे हुए हैं। तीन आइटम अगर यहाँ पे बचे हुए हैं तो आप देखिए, ये देखिए तीन आइटम यहाँ पे बचे, तीन आइटम यहाँ पे हमारे शो कर रहे हैं। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे कितने आइटम मेरे यहाँ पे शो कर रहे हैं, उसका भी आप जो है वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है फिल्ड चेक बॉक्स के साथ में आप प्ले कर सकते हैं बिटवीन। ये देखिए यहाँ पे अगर हम सभी को चेक कर देता हूँ तो ये मेरा पूरा आइटम ग्रीन हो गया है, और यहाँ पे कोई भी आइटम रिमेनिंग नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एक वीडियो में। थैंक यू।